on Academy. Let's crack it. It's time to experience something glorious. An Academy combat. Compete, crack, conquer. A challenging GET contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, An Academy combat is the most competitive, gamified contest for GET till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GET deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GET challenge. An Academy Combat. Register now. Good evening, everyone. Welcome to your own YouTube channel, An Academy GET CCH. So, एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे if audio video is clear. And आपको सारी PDF वगैरह अभी तक मिल चुकी होंगी. Yes, you have got PDF and all. आपको PDF मिल चुकी है. अभी तक के lectures की सारी PDF आपके तक पहुंच चुकी. Yes. So, I hope now audio will be clear. So, we'll start here. And you can get all the updates and all from this Telegram channel. आपका community पे आपको PDFs वगैरह मिल जाती हैं. You have got all the PDFs up to this point. अभी तक कि आपको सारी PDFs मिल गई हैं. Plus में आपको live classes, recorded classes, rank, improvement batches. Every fourth class आपकी doubt clearing class होती है. In Iconic you get personal guidance, study material, test analysis, study booster sessions. तो plus और Iconic में आप subscriptions दे सकते हैं. Using my code GOPP, go with the flow of Pranjul Pandey. You will get maximum discount there. और न्यू बैच लाइक आई हैव लॉन्च दिस सॉइल मैकेनिक्स बैच 9:30 PM पर हमारी ये क्लास होती है. फ्यू अदर बैच हैव ऑलरेडी बीन लॉन्च. डू रिफर टू ऑल दिस बैचेस. डू रिफर टू माय कोड GOPP, गो विद द फ्लो ऑफ रंजन पांडे. हम लोग अपनी क्लास यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं विद द कंटेंट और जिसमें हम लोग यहाँ पर जो बातचीत करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू कंसिस्टेंसी लिमिट. कल की क्लास तक में आपको कोई भी डाउट हो, यस, टिल श्रिंकेज लिमिट इफ यू हैव एनी क्वारीज, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क. सबसे पहले श्रिंकेज लिमिट तक का पार्ट सारा क्लियर है, यस. उसमें कहीं पर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं. श्रिंकेज लिमिट हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, इफ यू नो दैट फॉर्मूला, यस. W1 माइनस में WD, यस, माइनस में V1 माइनस में ED इंटू में गामा W अपॉन में WD. ये हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था जिसको हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से पूरा सॉल्व किया था, यस. श्रिंकेज लिमिट की पूरी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकाल रखी है जिसमें हमें कोई डाउट नहीं आता है. श्रिंकेज लिमिट तक के पार्ट में आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. Yes, if you have any queries up to this shrinkage limit. सभी लोगों से जाऊंगा. Yes, कहीं पर भी आपको shrinkage limit में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं. ये कम से कम पानी का कंटेंट जहां पर soil पहली बार saturate होती है, there is a point. Yes, minimum water content at which soil gets fully saturated.
सबसे पहले श्रिंकेज लिमिट की बातचीत करिए। श्रिंकेज लिमिट की सारी कहानी क्लियर है, कैन वी मूव अहेड विद और कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास में जो हमें पढ़ना है, यस वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मोर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट के और कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर देखूंगे। सर मैं कल का क्लास नहीं कर पाया था, सो अभी करूँ या क्लास समझ में आ जाएगा? ओके क्लास श्रिंकेज लिमिट, ओके तो जो ये पढ़ा रहा हूँ श्रिंकेज लिमिट जो कल तक का पढ़ाया वो नहीं आपको आएगा, उसके बाद की सारी चीजें अभी आ जाएंगी, पकड़ में रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। यस आप कोशिश करिए, अगर और नहीं होता तो 15 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैसे आ जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो हम लोग श्रिंकेज लिमिट की कहानी आगे बढ़ाते हैं। देखिए श्रिंकेज लिमिट का कल तक का जो बातचीत था वो हम लोगों ने कर लिया था। श्रिंकेज लिमिट क्या है? बोले सॉइल जब पहली बार सैचुरेट हुई है, ये कंडीशन, यस और नो, यहाँ का वाटर कंटेंट निकालने के लिए हमने क्या किया था? हमने बोले यहाँ का वाटर कंटेंट किसी सॉइल का पता था, वेट निकाला, यहाँ का वॉल्यूम हमने पता किया, यस, और ड्राई वेट निकाला, ड्राई का वेट हमारा क्या होगा, यहाँ का वॉल्यूम पता किया। इन चारों वैल्यू से हम लोगों ने कोशिश करी एक फॉर्मूला निकालने की, यस, और एक फॉर्मूला निकाल करके लाए श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला, दैट इज डब्ल्यू वन माइनस में डब्ल्यू डी माइनस में वी वन माइनस में वी डी इंटू में गामा डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू डी। दिस वॉज द फॉर्मूला जो कि हमारे लिए हेल्पफुल रहा श्रिंकेज लिमिट को फाइंड करने के लिए। ठीक है आगे के फॉर्मूले हम लोग देखते हैं। श्रिंकेज लिमिट में अगर आपको ये चार डाटा दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हैं। अब हो सकता है कि सवाल को आपको थोड़ा सा चेंज करके दिया, जैसे कि देयर माइट बी अ चांस कि आपको बता दे कि जब सॉइल में पानी ज्यादा है उस समय का वॉटर कंटेंट आपको दे रखा हो। क्या दे रखा हो? वॉटर कंटेंट, वेट नहीं दे रखा है, डब्ल्यू वन नहीं दे रखा है, आपको दे रखा है वॉटर कंटेंट कितना है, और दूसरा आपको वॉल्यूम दे रखा है यहाँ का, यस, यहाँ का वाटर कंटेंट दे रखा है, यहाँ का वॉल्यूम दे रखा है, और यहाँ पर भी है क्या ड्राई वॉल्यूम दे रखा है, और यहाँ का आपको ड्राई वेट दे रखा है। कुल मिला के पहले वाला वाटर कंटेंट, वी हैव द फर्स्ट वाटर कंटेंट जहां पर सॉइल फुली सैचुरेटेड रहता है, उस केस में हम लोग क्या करें? वेरी सिंपल, देखिए ध्यान से जरा फॉर्मूले को, इसको देखिए, क्या ये कहीं ना कहीं डब्ल्यू वन माइनस में डब्ल्यू डी, डब्ल्यू वन का मतलब क्या है? पहली स्टेज में टोटल वेट कितना है डब्ल्यू वन, ये टोटल डब्ल्यू वन का मतलब क्या है? ये इसमें पानी का भी वेट है और सॉलिड का भी है। जब इसमें डब्ल्यू डी घटाओगे, डब्ल्यू डी का मतलब क्या है? ड्राई के समय जो वेट होगा, ड्राई के समय जो वेट होगा उसमें सॉलिड और एयर होगी, एयर का कोई वेट नहीं होता इसलिए ड्राई का वेट सॉलिड का वेट सेम है। जब डब्ल्यू वन में डब्ल्यू डी घटाओगे तो क्या डब्ल्यू डब्ल्यू वन बचेगा, यह वाला पानी बचेगा, ये सोनू ये वाला वाटर बचेगा, तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि दिस वन इज नथिंग बट डब्ल्यू डब्ल्यू वन अपॉन में डब्ल्यू डी, जिसको डब्ल्यू डी को डब्ल्यू एस बोलते हैं, और ये हमारा आ जाएगा वी वन माइनस में वी डी इंटू में गामा डब्ल्यू और अपॉन में डब्ल्यू डी, तो है ही हमारा जो है। तो अगर हमारा वाटर कंटेंट दिया होगा तो हम लोग फॉर्मूले कुछ तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ये क्या है डब्ल्यू डब्ल्यू वन अपॉन में डब्ल्यू एस, ये है क्या यहां का वाटर यहां का सॉलिड, डब्ल्यू डब्ल्यू वन अपॉन में डब्ल्यू डब्ल्यू, ये है क्या यहां का वाटर कंटेंट है। तो वाटर कंटेंट एट फर्स्ट स्टेज, वाटर कंटेंट एट फर्स्ट स्टेज माइनस में वी वन माइनस वी डी इंटू में गामा डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू डी, जस्ट नोट इट डाउन। आपको सवाल इस तरह से दिया हो सकता है, पहले वाला वेट बाद वाला वेट, पहले वाला वॉल्यूम बाद वाला वॉल्यूम, इस तरह से दिया हो सकता है, या फिर पहले वाला वाटर कंटेंट पहले वाला वॉल्यूम बाद वाला वॉल्यूम बाद वाला वेट, यस। तो वाटर कंटेंट दिया होगा तो डायरेक्टली हम लोग यहां पर मार्क कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। आई एम न्यू टू दिस क्लास, अब तक मैंने आपकी क्लास नहीं फॉलो किया है, क्या मैं अब कंटिन्यू करूं और वो सब लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद? ये सारे कई सारे लोगों के आ रहे हैं, तो देखिए एक बार आप ध्यान रखिए कि आप अभी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो जो लेक्चर आप छोड़ते जा रहे हैं उसमें पकड़ कमजोर हो जाती है। तो आपके लिए सबसे पहला मेरी बात, मेरी स्पेशल क्लास है कल रिवीजन वाली, वो ये लेक्चर्स तो आपको 7-8 देखने हैं वो देखने हैं कल, लेकिन रिवीजन वाली लेक्चर को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। रिवीजन वाला लेक्चर आप कंप्लीट करिए, लेक्चर की टाइमिंग है 5 PM, आपको लिंक मिल जाएगा। एक क्लास कल रहेगी और एक क्लास परसों भी रहेगी, यस परसों भी रहेगी, 5 बजे हमारी क्लास रहेगी 27th को और 28th को, दो दो ढाई ढाई घंटे हम लोग पढ़ के जितने लेक्चर अभी तक हमने पढ़ाए हैं उनका कंप्लीट प्रॉपर रिवीजन करेंगे, जिससे कि जिन लोगों को दिक्कत आ रही है वो लोग हमारा फॉलो कर पाए। लेक्चर्स आप सभी से पढ़ सकते हैं, रिकॉर्ड अब तुरंत से लाइव शुरू कर दीजिए, पुराने लेक्चर्स एक दिन में एक देखते जाइए, और साथ में कल स्पेशल क्लास में सारा रिवीजन कर लीजिए खत्म कर। स्पेशल क्लास फ्री है? यस ऑफ कोर्स, स्पेशल क्लास आपके लिए फ्री है, उसको आपको
लिंक आपको मिल जाएगा अन अकेडमी गेट सी पर, इनवाइट कोड मांगेगा, यू कैन अप्लाई दिस कोड GOPP एज इनवाइट कोड। कल रेगुलर क्लास होगी? नहीं, कल रेगुलर क्लास नहीं होगी, 5 बजे से लेकर के 7:30, 7:30, 8 जहां तक की हिम्मत रहेगी वहां तक का हम लोग रिविजन करेंगे, विल डू रिविजन एज मच एज पॉसिबल। तो सभी लोग एक तो सबसे पहले शेयर कर दीजिए सो दैट मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन, ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर पाए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। GOPP आप कोड लगा करके, इनवाइट कोड लगा करके फ्री में आप वोली क्लासेस स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हैं। यू विल रिवाइज, वी विल रिवाइज ऑल द पॉइंट्स, आपको जहां तक आज पढ़ाऊंगा वहां तक पूरा हम लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? सभी को क्लियर है? आगे बढ़े, किसी को और कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। तो श्रिंकेज लिमिट निकालने के और तरीके हम लोग पता करते हैं, ठीक है? श्रिंकेज लिमिट निकालने के और तरीके, देखिए यह तो आपको दिख रहा है कि यहां का वाटर कंटेंट ही हमारा जो होता है दैट इज श्रिंकेज लिमिट। यहां का जो वाटर कंटेंट होता है वही हमारा श्रिंकेज लिमिट कहलाता है। सो वाटर कंटेंट एट दिस स्टेज, यस, ये वाटर कंटेंट हमें निकालना। एक और फॉर्मूला हम लोग इसका पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। ये WW है, यहां का पानी, यहां का सॉलिड, एक तो टेस्ट के रूप में निकाल लिया, एक दूसरे तरीके से निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा बड़े ध्यान से। ये VW है या ये VV के बराबर हो जाएगा, VW, और ये VS है। आप बताइए यहां का वाटर कंटेंट को ही श्रिंकेज लिमिट बोलेंगे? W श्रिंकेज लिमिट किसके बराबर हो जाएगा? बोले WW अपॉन में WS, बोल सकते नहीं बोल सकते? WW अपॉन में WS, बोल सकते नहीं बोल सकते? WW हमारा किसके बराबर होगा? बड़े ध्यान से सोच कर समझ कर रिप्लाई करेंगे। WW यहां का पानी, अब हम लोग क्या है टोटल के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, हम लोग जो निकालना चाहते हैं वो निकालना चाहते हैं टोटल के रिस्पेक्ट में। टोटल के रिस्पेक्ट में बोले तो हमारा सीन ये है टोटल के रिस्पेक्ट में निकालने का कि जो पार्ट्स हमारे हैं जिनकी बातचीत हम लोग यहाँ पर करते हैं, ऐसा समझिए कि आप GS के टर्म्स में निकालिए, आप ड्राई सॉइल के टर्म्स में निकाल, इस तरह से आपको निकालना। यस, अच्छा, ये जो वॉल्यूम लिखा हुआ है इसको वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकते हैं? पानी को, ये जो वेट ऑफ वाटर लिखा हुआ है इसको हम लोग वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये चेक करिए। कैन वी राइट दिस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखिए, यस ऑफ कोर्स वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। देखिए कैसे, बोले सर ये वाला जो VW है इसके टर्म्स में लिख सकते हैं? बोले VW हो जाएगा इनटू में गामा W, सिंपल। VW इनटू में गामा W है, सिंपल की नहीं है? अब देखिए, अब ये जो VW है इसको कैसे लिख सकते हैं? VW क्या यही वाला V है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड है ये, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बोले टोटल वॉल्यूम में सॉलिड का वॉल्यूम घटा दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, जल्दी बोलो। VW को V माइनस में VS लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? यस, वी कैन राइट इट लाइक दिस। जब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं तो आगे आप और देखिए और कैसे लिख सकते हैं, तो इनको अलग अलग LCM अलग कर दीजिए, तो यह आ जाएगा V अपॉन में WS और साथ में आ जाएगा गामा W, ध्यान से देखिए, यस, और इधर आ जाएगा VS अपॉन में WS और साथ में आ जाएगा गामा W। कहीं पर कोई आपत्ति हो तो बताएंगे, WS अपॉन में V क्या होता है, जल्दी बोलो, WS अपॉन में V क्या होता है और WS अपॉन में VS क्या होता है, दोनों में क्या होता है, ये क्या चीजें हैं, व्हाट आर दीज क्वांटिटीज, इनको क्या बोलते हैं, सोच करके बताइए। WS अपॉन में V क्या होता है और WS अपॉन में VS क्या होता है, दोनों बताइए। तो WS अपॉन में V तो ड्राई सॉइल का वेट होता है, यूनिट वेट, यस, सॉलिड का वेट अपॉन में टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम मतलब सॉइल की बातचीत हो रही है, और WS अपॉन में VS क्या होता है, गामा ऑफ सॉलिड्स होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स।
डब्ल्यू एस अपॉन में वी हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा वो गामा ड्राई हो जाएगा, दिस विल बी गामा ड्राई, तो यह जाएगा गामा डब्ल्यू अपॉन में गामा ड्राई, और यहाँ क्या हो जाएगा गामा डब्ल्यू तो ऊपर लिखा हुआ है, नीचे आ जाएगा डब्ल्यू एस बाई वी एस, इसको बोलते हैं गामा एस, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड हियर एज गामा एस, उसको हम लोग क्या बोल देंगे गामा एस, जो कि हमारा हो जाएगा यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, सो दिस विल बी यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड के बराबर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, इसी को और सॉल्व कर लीजिए, ये जो गामा ड्राई बाई गामा डब्ल्यू लिखा हुआ है इसको बोलते हैं श्रिंकेज रेशियो वन बाई आर, तो एक आप मतलब आर का मतलब, आर मतलब होता है एक टर्म जिसको अभी अगले पेज में फिर से पढ़ेंगे, दैट इज रिफर्ड हियर एज श्रिंकेज रेशियो, श्रिंकेज रेशियो जो कि हम लोगों ने यहां पर डिफाइन करा है गामा डी बाई गामा डब्ल्यू, तो गामा डी बाई गामा डब्ल्यू को हम लोगों ने श्रिंकेज रेशियो से डिफाइन किया है, और गामा एस बाई गामा डब्ल्यू आप पहले से जानते हैं दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड, वन बाई आर माइनस में वन बाई जी एस हो जाएगा, तो श्रिंकेज लिमिट का एक और फॉर्मूला में मिला जो कि हम लोग यहां पर नोट कर सकते हैं, श्रिंकेज लिमिट इज वॉट, बोले वन बाई आर माइनस में वन बाई जी एस, आर यहां पर क्या है श्रिंकेज रेशियो, आर यहां पर क्या है श्रिंकेज रेशियो, जो कि हमारा किसके बराबर हो जाता है गामा ड्राई अपॉन में गामा डब्ल्यू, तो श्रिंकेज रेशियो का सवाल आएगा, श्रिंकेज लिमिट का सवाल आएगा, एक फॉर्मूला ये लग सकता है, दूसरा फॉर्मूला ये लग सकता है, बोलो हाँ या ना, अगर आपको गामा ड्राई जी एस वगैरह दिया हुआ है तो हम लोग ये लगा सकते हैं, एक और इसका फॉर्मूला हो सकता है सहवाग इक्वेशन से लग सकता है, एससी बराबर डब्ल्यू जी एस, देखिए अगर आपको जी एस दे रखा है और वॉइड रेशियो दे रखा है तो श्रिंकेज लिमिट जब होगी, श्रिंकेज लिमिट जब होगी तो एस की वैल्यू अपने आप कितनी हो जाएगी वन, एस की वैल्यू अपने आप कितनी हो जाएगी वन, तो अगर वॉइड रेशियो और जीएस दिया हुआ है तो श्रिंकेज लिमिट डायरेक्ट निकाल सकते हैं ई अपॉन में जीएस से, वी कैन जस्ट फाइंड आउट दिस ई अपॉन में जीएस वैल्यू विल बी आपका श्रिंकेज लिमिट, अलग अलग आपके मेथड्स हैं, अलग अलग फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला नंबर वन आ गया, फॉर्मूला नंबर टू हो गया, फॉर्मूला नंबर थ्री हो गया, फॉर्मूला नंबर फोर तो बहुत कॉमन है, ये तो लग ही जाता है कभी भी कहीं पर भी, भैया बोलना पड़ेगा, बोलने से होगा, ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एवरीवन Any doubts up to this point? यहां तक में कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए। चार फॉर्मूले आपने श्रिंकेज लिमिट के अभी तक देख लिए हैं, चार तरह के सवाल आपने तरीके से देख लिए हैं, और ये सब सवाल आपको मिलेंगे, यस? कल जब बेहतरीन तरीके से रिवीजन होगा तो सब लोग मेरे को स्पेशल क्लास में चाहिए, 5 बजे आपकी क्लास होगी, लिंक आपको अपडेट हो जाएगी। और परसों न्यूमेरिकल होने हैं तो परसों के पहले हमारी क्लास ये कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं यहां पर, अब इसी श्रिंकेज लिमिट में आपने जो टर्म पढ़ा है श्रिंकेज रेशियो उसको डिफाइन करते हैं, श्रिंकेज रेशियो है क्या, श्रिंकेज रेशियो ये बताइए, श्रिंकेज मतलब वॉल्यूम में कमी है, कहीं ना कहीं ये टर्म आपका क्या डिफाइन कर रहा है, चेंज इन वॉल्यूम मतलब रिडक्शन इन वॉल्यूम, ये रिडक्शन इन वॉल्यूम क्यों होगा जरा बताइए,
अगर वॉल्यूम में रिडक्शन होगा तो वो वॉल्यूम इन रिडक्शन वाई देयर विल बी अ रिडक्शन इन वॉल्यूम, यस वॉल्यूम जो चेंज इन वॉल्यूम होगा दैट विल टेक प्लेस, वाई देयर विल बी सम चेंज इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस, क्यों होगा ये बताइए। तो वॉल्यूम में चेंज जब होगा तो वो क्यों होगा, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम में चेंज होगा सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में, श्रिंकेज लिमिट के ऊपर अगर आप वाटर कंटेंट बढ़ाते हो या वाटर कंटेंट घटाते हो तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम में चेंज आता है। व्हेन यू इंक्रीज और डिक्रीज वाटर कंटेंट अबव श्रिंकेज लिमिट देन चेंज इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस, दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज वेरी क्लियर, यस। अब अगर ऐसा है, यस अब अगर ऐसा है तो ये वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, कैसे आ रहा है याद ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहां का वॉल्यूम इस जगह पे आप हो, इस जगह का वॉल्यूम कितना है, जो भी है अभी अभी देखते हैं ना, वापस पहले यहाँ समझ लीजिए फिर देखते हैं, श्रिंकेज रेशियो समझ लीजिए पहले। तो एक आपकी कंडीशन ये है, इस वाटर कंटेंट पर वॉल्यूम जो है वो ये है, सो वी वन इज द वॉटर वॉल्यूम एट डब्ल्यू वन वॉटर कंटेंट, उसी तरह से डब्ल्यू टू है एट वी टू, W2 है एट V2, तो W2 हमारा वाटर कंटेंट है एट वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 2 कंडीशन, ठीक है। आप बताइए, आपसे पूछा जाए चेंज इन वॉल्यूम तो कितना होगा चेंज इन वॉल्यूम, बोले V1 माइनस में V2, होगा कि नहीं होगा। जब भी आप चेंज निकालते हो, मैंने आपको बता रखा है, समझा रखा है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज, व्हेनेवर वी हैव टू रिप्रेजेंट समथिंग, we have to represent it with respect to some quantity, initial value. Strain के केस में बताया था, strain. जब void ratio पढ़ा रहा था तो strain वाला मुद्दा समझा करके मैंने आपको बात समझाई थी, yes, कि जब भी इस तरीके की बातचीत change वेंज की करोगे तो with respect to initial volume, जो change ना होता हो that is dry volume, इसके respect में निकालोगे। तो shrinkage ratio हम लोगों का change in volume, वो भी percentage change in volume निकालते हैं, ठीक है। अब ये होता किसकी वजह से है, तो percentage change in volume with respect to dry volume आपने निकाला है, percentage रेशियो ऑफ यस परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम। अब ये किसकी वजह से होता है, वाटर कंटेंट में चेंज की वजह से, यस। तो वाटर कंटेंट में कितना चेंज हुआ है, डब्ल्यू वन से डब्ल्यू टू पे आ गया, तो दैट इज द चेंज इन वाटर कंटेंट। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, ये तभी वैलिड रहेगा जब आप श्रिंकेज लिमिट के ऊपर रहोगे, क्योंकि श्रिंकेज लिमिट के नीचे ये वैलिड नहीं है, श्रिंकेज लिमिट के नीचे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। सो दैट इज वाई अगर डेफिनेशन हम लोग इसकी लिखना चाहें, इफ यू वॉन्ट टू राइट इट्स डेफिनेशन, तो क्या लिख सकते हैं, इट इज ध्यान से लिख लीजिए आप भी, डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम जिसको एक्सप्रेस कैसे करा है, परसेंटेज में, यस एक्सप्रेस्ड एज, यस इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम। तो हम लोग इसको एक्सप्रेस कैसे करें, ड्राई वॉल्यूम के परसेंटेज से, एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम, किसके करस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन वॉटर कंटेंट, वॉटर कंटेंट कितना हुआ है, रेशियो किसके रिस्पेक्ट में निकाला है, टू द चेंज इन वॉटर कंटेंट, ड्राई वॉल्यूम, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम टू द चेंज इन वॉटर कंटेंट। लेकिन ये सारी बातें कहां पे करी, अबव श्रिंकेज लिमिट। अब फिर से सवाल बन गया, यहां से आपको क्या दे देगा, ग्राफ दे देगा, समझिए बड़े ध्यान समझिए, क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, आपसे पूछेगा क्या श्रिंकेज लिमिट, आपको दे क्या देगा, ग्राफ, ग्राफ की मदद से, श्रिंकेज लिमिट ग्राफ में नहीं देगा, ग्राफ की मदद से आर निकलवाएगा, आर की मदद से फिर आपसे श्रिंकेज लिमिट निकलवा, ऐसा करवा सकता है, मतलब घूम घूम के ये क्वेश्चन आपको देंगे, यस हाँ। श्रिंकेज रेशियो हम लोग गामा डी बाई गामा डब्ल्यू को बोलते हैं, हमने ये एक एक्सपेरिमेंटल, मतलब ये आपका वॉल्यूम वाला भाई, ये हो गया कि आप जब कोई टेस्ट के फॉर्म में डाटा दिया होगा तो आर को निकालने के बहुत सारे तरीके हो गए, आर आपने ये देख लिया कि वॉल्यूम, एक तरीके से सवाल ये दे सकता है, एक आर आपको गामा ड्राई देख करके दे सकता है, वहां से सवाल बनेगा, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, घूम घूम करके सवाल देगा, चार वैल्यूज दे देगा उससे श्रिंकेज लिमिट निकाल देगा, ये वाली चार वैल्यूज देकर श्रिंकेज लिमिट बना सकता है,
ये वाला वर्ड एसईओ जीएस दे करके सवाल बना सकता है, आर डायरेक्टली दे देगा एक नंबर का सवाल बना देगा, आर इनडायरेक्टली देगा। अब इनडायरेक्टली कैसे देगा, बोले इनडायरेक्टली आपको ये ग्राफ दे देगा, ग्राफ की मदद से आर निकालना होगा, यस, या फिर ये वॉल्यूम वगैरह दे देगा, इन्हीं से घूम घूम के आपसे क्वेश्चन जो है पूछता रहता है। डरिए नहीं, देखिए यही तो परेशानी है, डरिए मत। देखो सिविल इंजीनियरिंग में एक बात ये समझ लो, जो जो डरा नहीं है वो सक्सेसफुल हो गया, अब जो डरा नहीं है वो हो सकता है कि आईएएस बन जाए, सब तो नहीं बन सकते, आप बन गया क्या, नहीं, हो सकता है वो किसी स्टेट में जॉब मिल जाए, हो सकता है प्राइवेट जॉब एलएनटी और इधर उधर मिल जाए इन कंपनियों में, जैसे एलएनटी में मेरे को मिल गई थी, हेलो, अब अपनी अपनी सक्सेस है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब लोग जॉब करें, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस कर लें कंस्ट्रक्शन का आर्किटेक्ट के साथ में मिल करके, यस, जब ये बिजनेस स्टार्ट होता है तो आपको लोगों को अपने आप को सेल करना पड़ता है, यस, कि यू आर सुपीरियर देन अदर्स इन द मार्केट, और आप ये तभी कर पाओगे जब आपको ये भरोसा रहेगा कि यस मैं हूं इतना काबिल कि मैं आपको ये बेहतर से बेहतर बना करके दे दूंगा। ध्यान समझिए पॉइंट में क्या बोलना चाह रहा हूं, आप जो पढ़ाई अभी कर रहे हो वो इतनी सी नहीं है, एक्चुअल जो काम होते हैं वो अलग ही दुनिया है, जब आप पढ़ाई करके यहां से जाते हो वो अलग है। तो एज ए सिविल इंजीनियर हमें कभी भी डरना नहीं है, चाहे वो सब्जेक्ट का कंटेंट हो, चाहे वो कोई एग्जाम हो, जितना आता है जैसा आता है वैसा हम लोग ताबड़तोड़ करेंगे और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेंगे, डरना वरना नहीं है। जो नहीं समझ में आएगा दोबारा समझेंगे, एक बार और समझ लेंगे, नहीं समझा फिर समझ लेंगे, एक बार में नहीं आएगा चार बार समझ लेंगे, दस बार समझ लेंगे, साला ऐसा कौन सा चीज आ गया है जो दस बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आएगा, डरना नहीं, ऐसा सेंटेंस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना आपसे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल एकदम गांठ बांध लो ये कि किसी भी चीज में डरना नहीं है। डरना वरना क्या होता है, भूत भूत है क्या, जो भूत से तो डरता नहीं है कोई, ये डर किस बात का है, डरना वरना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ये शब्द ही बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी, मतलब ये अब पूरे जब तक हमसे बातचीत होगी ये नहीं, एग्जाम का डर नहीं, एग्जाम वाले दिन में ठीक है जितना आता उतना करेंगे, जितना पढ़ा होगा उतने से ही जो है परफॉर्म कर पाओगे ना, डरने से तो और कम हो जाएगा, तो डरना नहीं, आज से आदत डालो, जितना आता है डन खत्म बात, ठीक। सर गामा ड्राई वाला फिर से बता दूंगा, कल तक दिमाग सही चल रहा था आज हिलने लगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि आपको चीजें नई नई मिलने लगी, और अभी मत घबरा, ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं ये वापस से जब रिवाइज करके बताऊंगा सब एकदम सेम हो जाएगा, ठीक है, आप देख लीजिए, एक पेज मैं आपका ले रहा हूं, ठीक है, एक पेज मैं आपका ले रहा हूं, आप देखिएगा, अभी इसमें बता दे रहा हूं, ये बताइए मैंने आपको क्या क्या बताया है। सर आपने हमें बताया है श्रिंकेज लिमिट निकालना है, एक हो सकता है कि आपको चार डाटा दिया हो, पहले वाला वेट बाद वाला वेट, इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो पहले वाला वाटर निकल करके आ जाता है, इसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो माइनस कर देते हैं, तो हमें श्रिंकेज लिमिट में कितना पानी है ये पता पड़ जाता है, और इसमें गामा ड्राई का डिवाइड कर देते हैं, ये हमें श्रिंकेज लिमिट एक पता पड़ गया। दूसरा देखिए सर यही सवाल हम लोगों का इस तरीके, ये पानी है, पानी अपॉन में सॉलिड, ये पहले का वाटर कंटेंट है, ये पहले वाले का पानी, ये हमारा वहां का सॉलिड, तो ये पहले वाले का वाटर कंटेंट माइनस में वी वन माइनस में वी डी इंटू में गामा डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू डी, ये दूसरा तरीका हो जाता है। एक और तरीका क्या निकल कर क्या है, सर बात ये है कि श्रिंकेज लिमिट जो होता है वो कहीं ना कहीं डब्ल्यू डब्ल्यू वन, यही है बीच वाला पानी, सॉरी डब्ल्यू डब्ल्यू, जो श्रिंकेज लिमिट में पानी है वो कौन सा, ये डब्ल्यू डब्ल्यू तो है, डब्ल्यू डब्ल्यू सर और अपॉन में डब्ल्यू एस। अब पानी को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, बोले वॉल्यूम इंटू में गामा डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू एस लिखा रहने दीजिए, वॉल्यूम सैचुरेटेड है तो जितना पानी उतना वॉइड, तो वॉइड का वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम माइनस में सॉलिड का वॉल्यूम, लो खत्म। इसको और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बोले V में आप गामा V अपॉन में डब्ल्यू एस कर दीजिए, और इसमें आप क्या कर दीजिए, गामा डब्ल्यू का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा वी एस अपॉन में डब्ल्यू एस, इसमें आप गामा डब्ल्यू का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या चीज है, डब्ल्यू एस अपॉन में V होता है गामा ड्राई, तो ये गामा डब्ल्यू अपॉन में गामा ड्राई है, इसी टर्म को हम लोग बोल देते हैं आर, मतलब गामा ड्राई बाई गामा डब्ल्यू को हम लोग बोल देंगे वन बाई आर, बस श्रिंकेज रेशियो होता है, डिफाइन कर दिया। ये क्या है, बोले गामा डब्ल्यू ऊपर है गामा एस नीचे, इसको तो पहले से जानते हैं जी एस है, लो
ये आसान क्यों लग रहा है? क्योंकि एक बार पढ़ चुके हो। जब पहली पहली बार किसी का चेहरा देखो तो थोड़ा कम अच्छा लगता है, बार बार देखते रहते हैं तो अच्छा लगने लगता है। वही सीन है, ये हो गया 1/r-1/g, इसमें क्या है? फिर अगले वाले में बोले आर को और अच्छे से डिफाइन कर दिया। बोले आर क्या है? बोले वॉल्यूम में चेंज। किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? बोले ड्राई के रिस्पेक्ट में। यस, किसकी वजह से होता है? बोले वाटर कंटेंट में चेंज की वजह से होता है। जो भी लिखते हैं परसेंटेज के फॉर्म में लिखते हैं। खत्म। कहीं कोई दिक्कत आनी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये श्रिंकेज लिमिट वाली बातें क्लियर है। श्रिंकेज रेशियो से घुमा करके सवाल पूछ सकता है, श्रिंकेज लिमिट से पूछ सकता है, जो भी बातें हैं बस ये ध्यान रखना है कि अबव श्रिंकेज लिमिट, ये आपकी पढ़ाई होगी श्रिंकेज रेशियो वाले सवाल में। यस, यू हैव टू बी अबव श्रिंकेज लिमिट, दैट इज अ पार्ट। इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो हमें बनाने होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आते आते मैं आपको इतनी अब आज ये आपने पढ़ा, दूसरी बार हो गया ये आपका, कल परसों में आप फिर पढ़ लेंगे न्यूमेरिकल के पहले, है ना? तो आप प्रैक्टिस करने की फॉर्म में आ जाएंगे। जब परसों न्यूमेरिकल सेशन चल रहा होगा तो आप एकदम ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, आप बिल्कुल बस आप मेरे लिए क्या करिए, रिवीजन करिए, मैंने आपको बोल दिया, आप कुछ मत करिए, जस्ट रिवाइज इट एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना रिवाइज करिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना ये मेरा काम, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उनकी प्रैक्टिस कराना ये मेरा काम है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास, वो मेरा काम। ठीक है, आगे बढ़े। सो नेक्स्ट लिमिट विच विल बी डिस्कसिंग हियर इज प्लास्टिक लिमिट। अगली जो लिमिट है हमारी, ये लोगों को हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करनी है, दैट इज प्लास्टिक लिमिट। अब प्लास्टिक लिमिट अगर डिस्कस करनी है तो पहले वापस वही डायग्राम में हमको होना चाहिए। वी शुड हैव दैट डायग्राम जो कि हम लोगों को सब कुछ यहाँ पर बातचीत हमारी कराता है। दिस इज दिस वन। तो श्रिंकेज लिमिट के बारे में बातचीत हो गई है। श्रिंकेज लिमिट वो पानी का कंटेंट है जहां पर सॉइल पहली बार सैचुरेट हुई है। श्रिंकेज लिमिट से लगभग 4 से 5 तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं। यस, 4 से 5, 4-5 फॉर्म, भाई 4 फॉर्मूले नए हैं, एक पुराना है सहवाग वाला, तो 5 तरीके के न्यूमेरिकल यहां पर मिल सकते हैं। श्रिंकेज लिमिट अकेला मात्र ऐसा है जिसने सारे न्यूमेरिकल यहां पर आगे के ले लिए, अब बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, तो अगला है, नेक्स्ट वन इज प्लास्टिक लिमिट। अब आप फॉर्मूले अपने आप, डेफिनेशन अपने आप डिफाइन कर सकते हैं। प्लास्टिक लिमिट वो वाटर कंटेंट है, प्लास्टिक लिमिट वो वाटर कंटेंट है जहां पर सॉइल सेमी सॉलिड से प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक से सेमी सॉलिड स्टेज में कन्वर्ट करती है। जहां पर सॉइल सेमी सॉलिड से प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक से सेमी सॉलिड स्टेज में कन्वर्ट करती है, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं मिनिमम वाटर कंटेंट जब सॉइल एक प्लास्टिक मटेरियल के जैसा बिहेव करने लगे। ये वो कम से, बिल्कुल थ्योरेटिकल बातें होती हैं इसमें, या वो कम से कम पानी का कंटेंट है जहां पर सॉइल हमारा एक प्लास्टिक मटेरियल के जैसे हमारा यहां पर कन्वर्ट हो जाता है। यस, ये डायग्राम को हम लोग उसी में बना देते हैं। ये हमारा डायग्राम है जो कि हमें सारी चीजें यहां पर डिफाइन कर रहा है। ठीक, बोले क्या है, एक डेफिनेशन पहले लिखते हैं। इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल बिहेव्स एज ए प्लास्टिक मटेरियल। ये कम से कम वाटर का कंटेंट जब सॉइल हमारा प्लास्टिक मटेरियल के जैसा बिहेव करने लगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में पहुंच जाता है। यस, और इज इन प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी, या फिर ये प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में हमारा रहता है। सिंपल, कहीं पर इसमें कोई डाउट नहीं। yes. ये वो वाटर कंटेंट है जब सॉइल हमारा प्लास्टिक से सेमी सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड से प्लास्टिक में कन्वर्ट करता है। यस, yes. तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज द वाटर कंटेंट
at which soil passes from plastic to semi-solid stage of consistency or vice versa. कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो आपसे पूछ सकता है वो आपको हम बता दें। अलग अलग सॉइल के लिए प्लास्टिक लिमिट का कंटेंट क्या होगा ये आपसे पूछ लेता, फॉर डिफरेंट सॉइल्स व्हाट बी द प्लास्टिक लिमिट कंटेंट। तो यहाँ पर हम लोग टाइप ऑफ सॉइल लिख लेते हैं, टाइप ऑफ सॉइल जैसे कि ग्रेवल, पहला होता है ग्रेवल, सबसे बड़ा ग्रेवल है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। फिर आता है सैंड की बारी, फिर आती है सिल्ट की बारी, फिर आता है क्ले। अब क्ले में अलग अलग हो जाता है, फाइन ग्रेन में ज्यादा बातचीत होती है, तो क्ले में हमारा ब्लैक कॉटन है, अलुवियल है, ये सब आपने देख रखी है, अलुवियल। क्ले में हमारी ब्लैक कॉटन के बारे में बातचीत है, तो डिफरेंट डिफरेंट भी है इनकी सबकी प्लास्टिक लिमिट। देखिए जो ग्रेवल है और जो सैंड है वो तो आपकी कोहेजनलेस सॉइल है, मतलब फाइन ग्रेन है ही नहीं, तो उसमें इनकी बातचीत नहीं होती है। यस, नॉन प्लास्टिक सॉइल है, ग्रेवल और सैंड जो है वो नॉन प्लास्टिक है नेचर, दीज आर नॉन प्लास्टिक नेचर। सिल्ट से हमारी कहानी स्टार्ट होती है, परसेंटेज में लिखते हैं। यस, सिल्ट हमारी होती है, सिल्ट हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, ऐसे। तो सिल्ट हमारी होती है 20-25% प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू, मतलब वाटर कंटेंट इसमें अगर 20 होगा तब ये हमारा प्लास्टिक में कन्वर्ट होगी, ठीक है, मतलब प्लास्टिक में एंटर करेगी स्टेज में। इसकी होती है 25 से 50, अच्छा 25 से 50, और इसकी हो जाती है पहले वाले का 10 टाइम्स, हाईली प्लास्टिक, 200 से इधर वाले का जो फर्स्ट वाला टर्म है उसका 10 टाइम, पहले 25 का 10 टाइम, 250, इस तरह से हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। तो डाटा वाइज एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है और थ्योरेटिकल पूछ सकता है। अब प्लास्टिक को डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब कैसे पता पड़ेगा कि ये प्लास्टिक हो गया है, ऐसे नहीं सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये प्लास्टिक हो गया है, तो होता क्या है 3 mm के थ्रेड्स बनाते हैं, विल ड्रॉ 3 mm थ्रेड, 3 mm थ्रेड के टेस्ट बनाओगे, तो 3 mm थ्रेड जब हम लोग बनाते हैं उनसे हमें ये क्लियर हो जाता है कि यस दिस विल बी, अगर थ्रेड हमारे जैसे पहले आप 3 mm का थ्रेड बनाओगे तो उसमें क्रैक्स मिलेंगे, क्रम्बलिंग क्रैक्स यू विल गेट क्रम्बलिंग क्रैक्स देयर। अगर क्रम्बलिंग क्रैक्स नहीं आ रहे, मतलब आपने 3 mm का थ्रेड बनाया और उसमें क्रैक नहीं आया, तो हम लोग बोल देते हैं कि ये प्लास्टिक लिमिट में इंटर कर गया, दिस हैज इंटर्ड इनटू प्लास्टिक लिमिट। तो 3 mm के थ्रेड का टेस्ट आप गूगल पे सर्च कर देंगे 3 mm टेस्ट, तो हमारा क्यों सर ब्लैक कॉटन सॉइल में आपका जो मटेरियल है मिनरल है दैट इज मॉन्ट मोनोलाइट, आगे आप पढ़ेंगे, पहले पीछे बता चुके हैं, उसमें हाई स्वेलिंग हाई श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है, उसके उसमें वाटर बॉन्ड होता है, तो इट कैन एब्जॉर्ब हाई अमाउंट ऑफ वाटर, काफी ज्यादा वाटर उसमें आ सकता है, तो वो वॉल्यूम उसका इंक्रीज होता जाता है और जो है क्या नाम है ज्यादा से ज्यादा पानी वो स्टोर कर सकता है अपने पास में, एक पर्टिकुलर वाटर जब स्टोर हो जाएगा उसके बाद वो प्लास्टिक मटेरियल के तरीके बिहेव कर पाता है, दैट इज अ पार्ट, ठीक है। तो ये रेंज हो गई, दूसरा इसमें मैं क्या बताना चाह रहा था, एक बात और बताना चाह रहा था, हाँ 3 mm थ्रेड टेस्ट के बारे में। तो जैसे आपसे पूछ रहा था कि कैसे पता पड़ेगा, तो हम लोग सॉइल लेते हैं और उसका टेस्ट किया, अगर हमारा क्रैक बन गया 3 mm थ्रेड बनाया और अगर क्रैक बन गया क्रैक आ गया तो वो फिर नहीं है प्लास्टिक, अभी नहीं हुआ है, ऐसे पानी बढ़ाते जाते हैं, जिस जगह पर क्रैक्स आना बंद हो गए दैट इज व्हाट आपका प्लास्टिक में कन्वर्ट हो गया। सो फॉर डिटरमिनेशन ऑफ प्लास्टिक लिमिट, यस फॉर डिटरमिनेशन ऑफ प्लास्टिक लिमिट, यस डायमीटर लिमिट, यस फॉर डिटरमिनेशन ऑफ प्लास्टिक लिमिट मिनिमम, जो ऐसे देखो ऐसे प्लेट होती है, देखना जो क्लास क्लास सर्च मार लेना, ऐसे प्लेट होती है, आपने पेस्ट बनाया और ऐसे ऐसे करके थ्रेड बनाए ग्लास की प्लेट पे रख कर, ठीक है। आप जब टेस्ट बनाते हो, अभी कल जब हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड लिमिट के टेस्ट परसों के बाद न्यूमेरिकल करने के बाद, तो फिर हम लोग उनको भी देख लेंगे,
तो यहाँ पर जो बनते हैं दैट इज रिफर्ड एज 3 mm टेस्ट बोलते हैं। तो बोले मिनिमम वाटर कंटेंट जिसमें कि 3 mm के थ्रेड फॉर्म हो जाते हैं बिना क्रम्बलिंग क्रैक्स, उसको हम लोग बोल देते हैं प्लास्टिक लिमिट। देखिए क्या बोल देते हैं पॉइंट, बोले इट इज दी मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच, यस, कम से कम पानी का कंटेंट जिस पर अगर थ्रेड बनाए गए, इफ इफ 3 mm थ्रेड्स आर मेड या फिर आर फॉर्म, यस, तो क्या हो, विदाउट क्रम्बलिंग क्रैक्स हो, विदाउट क्रम्बलिंग क्रैक्स, दे शुड फॉर्म विदाउट क्रम्बलिंग क्रैक्स। ये हमारा सिंपल सा पार्ट है अबाउट प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट के बारे में ये जानकारी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करें। ठीक है, यहाँ तक में कोई भी डाउट हो तो आप बताइए, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ यू हैव एनी डाउट्स फॉर दिस पॉइंट। श्रिंकेज लिमिट और प्लास्टिक लिमिट, सो अगला जो हमारा आता है दैट इज लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट हमारा क्या बोलते हैं, इसी को अगर हम लोग यहां से उठाएंगे, यस, सो लिक्विड लिमिट के बाद सॉइल हमारा कैसे बिहेव करने लगता है, एज ए लिक्विड, सॉइल विल बिहेव एज ए लिक्विड। देखिए लिक्विड लिमिट जब आ जाती है तो लिक्विड लिमिट के बाद जो स्टेज है वो कैसे हो जाती है, एज ए लिक्विड हमारा बिहेव करना, इट विल बिहेव एज ए लिक्विड हियर। तो लिक्विड लिमिट वो वाटर कंटेंट है जिसके बाद सॉइल फ्लोज लाइक ए लिक्विड, जब लिक्विड हो जाएगा तो इसकी शियर स्ट्रेंथ कितनी आएगी, एट लिक्विड लिमिट व्हाट विल बी द शियर स्ट्रेंथ, लिक्विड लिमिट पर शियर स्ट्रेंथ हमारी कितनी आएगी, जल्दी से बोलिए, व्हाट विल बी द शियर स्ट्रेंथ एट लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट शियर स्ट्रेंथ नेग्लिजिबल होती है, दैट इज नेग्लिजिबल शियर स्ट्रेंथ, नेग्लिजिबल, लेकिन वो नेग्लिजिबल मतलब जीरो है, अगर वो वैल्यू दे देगा, वैल्यू दे देगा तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है नेग्लिजिबल 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यस। तो नेग्लिजिबल में अगर आपको देखिए ऑप्शन देता है, जीरो ऑप्शन में रहता है और 2.7 नहीं रहता है, तो जीरो सही है, लेकिन जीरो और 2.7 दोनों ऑप्शन में है तो 2.7 सही हो जाएगा, यस। सो इस फैक्टर को अगर आप यहाँ पे देखें तो हम लोग क्या देख सकते हैं, ये कम से कम पानी का कंटेंट, यस, डिफाइंड एज मिनिमम वाटर कंटेंट जब सॉइल की टेंडेंसी हो टू फ्लो लाइक ए लिक्विड, मिनिमम वाटर कंटेंट जिस समय पर सॉइल हैज द टेंडेंसी टू फ्लो लाइक ए लिक्विड, इसकी टेंडेंसी है एक लिक्विड की तरह फ्लो करने की, यस, और लिक्विड लिमिट पर सॉइल की जो स्टेज है वो कहां से कहां पास करेगी, तो प्लास्टिक से लिक्विड में या फिर लिक्विड से प्लास्टिक में, लिख रखा है लिक्विड लिमिट पर सॉइल की जो स्ट्रेंथ रहती है नेग्लिजिबल रहती है, और जो कि वैल्यू कितनी है एग्जैक्टली 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सो दैट वैल्यू हियर इज 2.7 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी यहां पर रहती है। ठीक है, तो ये हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे, कंटेंट ज्यादा हो जाएगा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, रिवीजन जब हम लोग करेंगे तो रिवीजन में हम लोग शुरू करेंगे कहां से, टाइप ऑफ सॉइल ओरिजिन से, फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज से, उनके रिलेशनशिप से और कंसिस्टेंसी लिमिट, ये चार चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल जो हमारे ज्यादातर बनेंगे एक तो रिलेशनशिप से बनेंगे और एक कंसिस्टेंसी से बनेंगे, दो जगह जो हमारी ऐसी हैं उनसे न्यूमेरिकल्स हमारे उठेंगे, यस, जो कि हम लोग मंडे को डिस्कस कर रहे होंगे। जिनकी भी क्लासेस छूट गई हैं वो ध्यान रखेंगे, टुमारो वी विल बी हैविंग दिस क्लास एट 5 PM ऑन स्पेशल क्लास। अब इसकी लिंक आपको टेलीग्राम के चैनल से मिल जाएगी, यस, आपको वहां से अटेंड कर लेना लेक्चर को। लेक्चर में अगर आप नए हैं, आपने ऐप आप नहीं डाउनलोड किया इसके पहले, तो इनवाइट कोड पूछता है, यू कैन अप्लाई दिस इनवाइट कोड गो पीपी,
गो विद द फ्लो ऑफ प्रांजल पांडे। सर फर्स्ट चैप्टर खत्म? ना, नो, फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारी चीजें अभी पढ़नी हमें, जैसे कि टेस्ट, किसके किसके टेस्ट, वाटर कंटेंट, किसके किसके टेस्ट, गामा के टेस्ट, यस, जीएस निकालने के टेस्ट, ये हो गया। दूसरा, वेरियस अदर प्रॉपर्टीज जैसे कि टफनेस, जैसे कि सेंसिटिविटी, जैसे कि आपका थिक्सोट्रॉपी, है ना, डिग्री ऑफ डेंसनेस, ये सारी चीजें अलग से बची हुई हैं। सर टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन नहीं होगा क्या? होगा बेटा, होगा, कसम खा के बोल रहा हूँ, सबसे होगा। मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं, मेरा बताने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये दो जगह से क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स उठते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, अगर यार गधे हो क्या, बिल्कुल रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो ये तो अपने आप हो गए। प्रॉपर्टीज क्या है, छह प्रॉपर्टीज है, उन्हीं से तो रिलेशनशिप बनी हुई है। और दूसरा क्या है, टाइप्स ऑफ सॉइल, जो थ्योरेटिकल बातचीत है वो हम लोग क्वेश्चन दो चार कर भी चुके हैं उसके, दैट इज अ पार्ट एक्टिविटी। हाँ, तो जो भी पार्ट हमारे यहाँ बच, उसका टेंशन मत लो, वो मेरा टेंशन है, यस, वो पार्ट का टेंशन हमारा है। यहां तक की बातचीत हम लोग पहले करेंगे इस वीक में, ये पूरा अभी अगले वीक तक जाएगा जिसमें हम लोग पहले इनके टेस्ट पढ़ेंगे, वाटर कंटेंट के, गामा के, जीएस के, फिर थिक्सोट्रॉपी, सेंसिटिविटी, ये वो। अगले वीक के एंड तक हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा। पहले दो तीन दिन, दो दिन तो न्यूमेरिकल चलेगा प्रॉपर कायदे से, एकदम तबीयत से, वो वाले क्वेश्चन बहुत सारे करवाने होंगे ना, एक जगह से सॉइल दूसरी जगह लेकर के जा रहे हैं, बीच में ट्रक है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें हमें करनी होगी। तो आप ये मेरे पे छोड़ दो कि पहले क्या पढ़ाना है, बाद में क्या, जितना कंटेंट अभी दिया इसके न्यूमेरिकल सब मेरे को पहले खत्म करने, तब उसके बाद हम लोग फिर इधर वालों पे पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल खत्म करेंगे, दिस इज ऑल, यस। इस तरह से हम लोग बातचीत कर रहे होंगे, आप लोग बस लाइव बने रहें, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आते रहे, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करते रहे, सो दैट यस एंटरटेनमेंट बढ़ता रहेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ाता रहेगा। ज्यादा से ज्यादा बातचीत तभी मुंह से निकलती है जब ज्यादा से ज्यादा लोग सुनने वाले होते हैं, दिस इज ऑल। सो टेलीग्राम के चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगी सारी, यू कैन रिफर टू ऑल दीज बैचेस, न्यू बैचेस, आज के डाउट फीचर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशल क्लास की टाइमिंग कल मेरी है 5 बजे की, तो टुमारो आई विल हैव दिस स्पेशल क्लास एट 5 PM। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू ऑल। इट्स टाइम टू एक्सपीरियंस समथिंग ग्लोरियस, अन एकेडमी कॉम्बैट, कंपीट, क्रैक, कॉन्कर, अ चैलेंजिंग गेट कॉन्टेस्ट engineered to give you an experience like none other, where you put your knowledge to test and battle it out with a test to bring out the best in you. An Academy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators, with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. An Academy Combat. Register now.